गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज अपन पाठ सत्तवा जिहड़ा है नाम नाम दे बारे चर्चा करांगे। ठीक है, नाम की चीज़ हुंदी है, कहिंदे समाज दे विच रहिंदे आ, समाज दे विच जिहड़ी भी चीज़ अज दे समें दे विच हैगी है, ठीक है, कोई पंछी है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई स्थान है, चाहे कोई चीज़ है, हर एक दा की आपां नाम लैके उहनूं बुलाने आ। ठीक है, तो इस तरह की है जिहड़े नाम ने उह की है, नाम की हुंदे ने, कहिंदे अजिहे शब्द जिन्हों तो सानू किसी व्यक्ति चीज़ स्थान बारे पता लगता है उसनों असी की है नाम कहने हाँ। जिमें मुंडा, कुड़ी, किताब, गां, कां, दरिया, हिमाला, शिमला, अमिताभ, ये सारे की ने नाम ने। ठीक है, यानी संसार के जड़े रहते हुए कोई भी किसी चीज़ का जो नाम है, ठीक है, उसनों असी की कहने हाँ, नाम कहने हाँ। उस तो बाद आ जाता साढ़े को नाम दियाँ किस्म, नाम दी जिहड़ी किस्म है वो किन्नी किस्म हुंदी है, नाम पंज तरह का हुंदा है। ठीक है, हुण देखो कहिंदे संसार दे विच जदों सारियां चीज़ां सीगियां, चीज़ां दा की है इकट्ठ दे कारण की सीगा, आपां उहनां नूं अलग अलग नहीं कर सकदे सी, पता नहीं लगदा सीगा वी की चीज़ है की नहीं है, तां इस करके की है इहनूं पंज भागां दे विच वंड दित्ता गया, ताकि की है जिहड़े जिन्ने भी नाम दे मतलब जिन्ने भी नाम हैगे ने उह की है उह पंज भागां दे विच वंड दित्ते गए, ताकि उहनां नूं की है सानूं लभणा आसान हो जावे। तो इसलिए नाम दी किन्नियां किस्मां हुंदियां ने, पंज किस्मां ने, आम नाम या जातिवाचक नाम, खास नाम या निजवाचक नाम, वस्तुवाचक नाम या पदार्थवाचक नाम, इकट्ठवाचक नाम या समूहवाचक नाम, भाववाचक नाम, यानी पंज किस्म दे जिहड़े नाम है वो साडे हुंदे आ। हुण इहनां दे अगे टाइप्स दे बारे गल करांगे। नाम दी जिहड़ी पहली किस्म है आम नाम या जातिवाचक नाम। देखो नाम दो हो जांदे ने मेन, तां आम नाम ते खास नाम। आम नाम और खास नाम इन्हों का की है, देखो नाम दोनों ही है, ठीक है, ये फर्क की पै जाता है, सिर्फ जेड़ा आम नाम हूँ ये किसी शब्द तो सानू समुची जाति जीव जंतु के स्थान का पता लगता है, ठीक है, उन्होंने असं कहने आम नाम या जातिवाचक नाम कह दें, और खास नाम यानी है भी नाम ही ने जीव व्यक्ति के स्थान बारे पता लगता है, यानी जिमें आप गल करिए कोई मुंडा, मुंडा की हो गया साडा आम नाम हो गया, ठीक है, उस तो बाद अं कही राम, राम भी तो है मुंडा ही है, लेकिन वो राम की हो गया खास नाम हो गया, यानी सारे मुंडे की है राम नहीं हो सकते, पर सारे राम जड़े वो सारे मुंडे होंगे, तो इस तरह यानी कि है आम नाम और खास नाम जो है ये दो चीज़ों का फर्क है। आम नाम के जी नॉर्मल जाति हो किसी की वो बारे असी गल कर नाम लें तो वह आम नाम हो गया, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे असी गल करते हैं तो वह की हो गया साडा खास नाम हो जाता है। उस तो बाद आ जाता साढ़े को दूसरा तीसरा आ गया वस्तुवाचक नाम। ठीक है, वस्तुवाचक नाम कह लो या पदार्थवाचक नाम, तो देखो अपन पता लग जाता है वस्तु वस्तु किनू कहते हैं, चीज़ कोई भी होंगी है, पदार्थ कोई भी हो गए, तो ये अजिहियां चीज़ा जिन्हों तोल सकते हैं या मिन सकते हैं, पर उन्होंने असी गिन नहीं सकते, उन्होंने असी की आखते हैं वस्तुवाचक नाम या पदार्थवाचक नाम आखते हैं। ठीक है, जिमें सोना, चांदी, कणक, दुध, घ्यो, ठीक है, तेल, ये सारिया चीज़ा की हैं तोल के या मिन के मिल रही सानू, बस उन्होंने असं की है गिन के नहीं लेंदे है, इसलिए सारे साढ़े की हो गई वस्तुवाचक नाम। उस तो बाद चौथा आ जाता साढ़े को इकट्ठवाचक नाम। इकट्ठवाचक नाम की होंगे, देखो इकट्ठ इकट्ठ की होंगे, ठीक है, ग्रुप कॉम्बीनेशन असं जिन्होंने कह दें, ठीक है, कंबाइन कर दें कोई चीज़ों तो इकट्ठ हो जाता उन्होंने, तो यह हो गए इकट्ठवाचक नाम, यानी जिन्हें शब्दों तो व्यक्तियां पशुओं पंछियों आदि के इकट्ठ बारे पता लगता है उन्होंने असं इकट्ठवाचक नाम या समूहवाचक नाम आखते हैं। ठीक है, जिमें जमात, इज्जत, फौज, कॉन्फ्रेंस, टोली, ये सारे की हो गए साढ़े इकट्ठवाचक, यानी इकट्ठ समूह समूह के बारे अपन पता लगता है। उस तो बाद आ जाता भाववाचक नाम पंजवा, कहिंदे भाववाचक नाम की हुंदा, कहिंदे भाववाचक नाम जिहड़ा है देखो जिन्नियां जिहड़े शब्द सानू महसूस कीतियां जाण वालियां, ठीक है, जिन्हां नूं ना तां असीं देख सकदे आ ना छू सकदे आ, सिर्फ महसूस कर सकदे आ, अजिहे शब्दों के बारे जो सानू दसते हैं उन्होंने असं की आखते हैं भाववाचक कहने। हूँ जिमें सुख है, सुख ही हो गया सानू सुख है किसी चीज़ का, दुख है दुख नूं की महसूस करते हैं असी, खुशी, हैरानी, बुढ़ापा, जवानी, ये सारिया चीज़ा की आप देख नहीं सकते ना छू सकते, सिर्फ आप महसूस करते हैं, इसलिए साढ़े की ने भाववाचक नाम के आदि ने। तो इस तरह पांच तरह का नाम है जो होंगे ने, ठीक है, नाम जिहड़े हैं आम नाम, खास नाम, वस्तुवाचक नाम, इकट्ठवाचक नाम, तो भाववाचक नाम, इन्हां दे विच जिहड़े पंजे किस्मां दे विच साडियां अलग अलग जिहड़ियां किस्मां ने वो सारियां ये पंजे नाम जिहड़े ने इन्हां पंज किस्मां दे विच ही आ जांदे ने।
गुड मॉर्निंग।